जय हिंद एवरीवन। तो जितने भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा कौन से विषय से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को अग्निवीर आर्मी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। जैसा कि मान लीजिए 3 प्रश्न आपका गलती होता है तो 1 प्रश्न सही होगा, वो बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो निगेटिव मार्किंग रहता है। अगर मान लीजिए 1 प्रश्न आप सही करते हैं तो उसके आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इसी पे बात करेंगे कि आज कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके से 15 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस से भी 15 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ से भी 15 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मैथ में क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ के सिलेबस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मैथ में कौन कौन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने नोटबुक और बताते हैं कि मैथ में कौन से सिलेबस मतलब कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा उसी चैप्टर का। तो चलिए मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम अपने नोटबुक दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए आर्मी अग्निवीर के मैथ से कौन कौन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग है देखिए, फर्स्ट में है संख्या पद्धति, उसके बाद है एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न रहते हैं, 2 प्रश्न रहते हैं इससे कंफर्म है। प्रतिशत से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और लाभ हानि से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आते हैं और अनुपात और समानुपात से भी प्रश्न आते हैं। बात कर लिया जाए अगला, तो अगला है समय और कार्य। समय और कार्य से भी प्रश्न आते हैं, एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, ना कि इतना हार्ड पूछा जाता है कि नहीं बड़े नॉर्मल प्रश्न पूछा। बात कर ले आगे की, तो पाइप और टंकी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है जो नॉर्मल प्रश्न इस सबसे आता है। और बात कर लिया जाए इसमें औसत है, और अगला है साझेदारी, और आगे है मिश्रण, अगला है गति समय और दूरी, उसके बाद है ट्रेन नाव और धारा, उसके बाद है क्षेत्र मिति, उसके बाद है ज्यामिति, उसके बाद त्रिकोण मिति, उसके बाद है संभावना। मतलब संभावना कहने का मतलब है कि जब आप पासा खेलते हैं तो 1 आने की संभावना क्या है, 6 आने की संभावना क्या है। तो इसी से प्रश्न रहती है जो नॉर्मल रहती है, आप लोगों को आसानी से इसमें समझ जाएंगी। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोग अच्छे से लिख करके लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, संख्या पद्धति है, एचसीएफ और एलसीएम है, प्रतिशत है, लाभ हानि और बट्टा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात और समानुपात है, समय और कार्य है, पाइप और टंकी है, औसत है, साझेदारी है, मिश्रण है, गति समय और दूरी है, ट्रेन नाव और धारा है, क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, संभावना। तो त्रिकोणमिति आपको 10th में पढ़े होंगे, क्षेत्रमिति भी पढ़े होंगे, ट्रेन नाव और धारा, ट्रेन मतलब दूरी, गति कितना दूरी तय करती है वो सब है इसमें, मिश्रण रहता है, साझेदारी, यही सब आप लोगों को यही सब प्रश्न इसी में से पूछा जाता है। किसी भी भर्ती के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं सबसे पहले YouTube पे ही डालता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट रहे हो तो फिर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।